नवी मुंबई की सीडीपी बेलापुर पुलिस ने एक नकली सीबीआई अधिकारी को पकड़ा है जो एक व्यापारी से वन विभाग की जमीन का ट्रांसफर करवाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिरधर गोरे के अनुसार सुनील धूमल नामक व्यक्ति सीबीआई में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर का काम करता था। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने लगा। ऐसे में दो कोल्हापुर के व्यापारियों से वन विभाग की 50 एकड़ जमीन ट्रांसफर करवाने के नाम पर 80 लाख की ठगी की। जब व्यापारियों को सुनील धूमल की बातों पर शक हुआ और रुपए देने के बावजूद भी काम नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सुनील धूमल को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पेश है हमारे थाने के संवाददाता विक्की प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। अप्रैल 2022 करीबन उस मंथ में एक सुनील धूमल करके जो प्रॉपर कोल्हापुर का आदमी है वो सीबीआई डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर था। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद उसने कई लोगों को सीबीआई में ऑफिसर एक बता के लोगों को चीट करना शुरू किया था। ये बेलापुर सीबीडी बेलापुर में जो बचत भवन करके शासकीय विश्राम गृह है वहाँ लोगों को मिलता था, वैसी एक घोरपड़े और जैन करके कोल्हापुर के दो कंप्लेनेंट है उनको भी वो अप्रैल 2020 में उनको मिला। उनको उन्होंने बताया कि मैं एक सीबीआई का ऑफिसर हूँ और उसने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आगरा तालुके में जो 50 एकड़ वन विभाग की जो जमीन है वो जमीन आपको ट्रांसफ़र करके देता हूँ ऐसा उसको बता दिया। और उसी जमीन के बारे में उसने एक बोगस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का NOC प्लस दिंडोशी कोर्ट का एक ऑर्डर उनको बनावटीकरण किया हुआ दिखाया और उनका विश्वास संपादन किया और उसके बाद जमीन के ट्रांसफ़र करता हूँ ऐसा बोल के उनसे 80 लाख रुपया लेके उनको चीट किया है। अभी उसको हमने अरेस्ट किया है, उसको 29 तक पुलिस कस्टडी मिली है। अगर हमारा आपकी तरफ से आपके थ्रू लोगों का ऐसा आह्वान है कि अगर ऐसे धूमल ने अगर किसी को ऐसा चीट किया रहेगा तो वो तुरंत हमसे संपर्क करें।